देश के प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छता और पर्यावरण के संरक्षण को लेकर देश भर में जन जागृति लाई गई है। वहीं दूसरी ओर धार जिले के ग्राम पंचायत नालछा में ठीक इसके उलट कार्य चल रहा है। यहां पर स्वच्छता और पर्यावरण के संरक्षण के नाम पर कालिक पोती जा रही है। दरअसल नालछा में प्राचीन धरोहर के रूप में सीताफल का बगीचा लगा हुआ है, जिसमें हजारों सीताफल के पेड़ हैं, जो सीताफल यहां से देश के अन्य राज्यों और विदेश तक जाता है। साथ ही पंचायत की आय का साधन भी है, लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा इस प्राकृतिक संपदा को संरक्षित रखने की जगह खुद ही खत्म किया जा रहा है और सारे गांव का कचरा इकट्ठा कर वाहन द्वारा कचरा इस परिसर में डाला जा रहा है। पंचायत कर्मचारियों द्वारा सीधे तौर पर उसमें आग लगा दी जाती है, जिससे कई पौधे जलकर खत्म हो गए। मृत पशुओं के अवशेष तक खुले में फेंके जा रहे हैं, जिससे बीमारियों के फैलने का भय बना हुआ रहता है। रहवासी क्षेत्र और पास से लगकर ही बिजली विभाग कार्यालय, कृषि विभाग और ग्रामीण खेल परिसर और आंगनवाड़ी केंद्र भी हैं। वर्तमान में भी सोसाइटी में गेहूं तुलाई का कार्य भी चल रहा है, जिस वजह से यहां आमजन, किसानों और खिलाड़ियों को साथ ही आंगनवाड़ी में बच्चों को आना जाना भी बना रहता है। पर इस ओर किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं है। ध्यान आकर्षण करवाने पर जिम्मेदारों के जवाब भी लापरवाही भरे लहजे के थे और कहा गया कि पंचायत की जगह है, पंचायत कहीं भी कचरा डालने के लिए स्वतंत्र है। जब इस पूरे मामले को लेकर ग्राम के सामाजिक कार्यकर्ता प्रवेश ग्वाल द्वारा आवेदन दिया गया और CM हेल्पलाइन पर शिकायत भी की गई, लेकिन किसी भी प्रकार का हल नहीं हो पाया। आपको बता दें कि नालछा ग्राम में लाखों की लागत से कचरा निपटान केंद्र बनाया गया है, इसका उपयोग न करते हुए खुले में कचरा डलवाया जा रहा है। वहीं प्राचीन बगीचा तो लगातार खत्म हो ही रहा है, उसको संरक्षित करने की बजाय पंचायत ही इसे खत्म करते जा रही है। हमारे यहाँ पे पशु सेट गाय ढोर का बना हुआ है, हमारे गाय भैंस सभी के लिए, मतलब ये जैसे पन्ने पन्नी अटाला कचरा बगदा सब उड़ के आता है वहाँ पे, और कुत्ते होने मांस मटन जो भी गंदी चीज़ें वो गाय ढोर पानी पीते उसमें ला के डालते हैं वहाँ पे, ये इससे दिक्कत है। इसकी शिकायत करी आपने कभी? ये पंचायत वाले जो कर्मचारी आते हैं उनको डालने का मना बोलते हैं, भैया मत डालो, तो वो बोले पंचायत वाले ने बोला कहाँ जाएंगे, वो जा बोले वहाँ डालेंगे। सोमवार या सीताफल का बगीचा है, ये प्राकृतिक पुराने समय से लगा हुआ है, लेकिन पंचायत के द्वारा मनमानी करके यहाँ पर लगातार कचरा फेंका जा रहा है विगत 2 सालों से। सरपंच साहब से भी हमारी बात हुई थी इस विषय में, लेकिन उन्होंने और हमें ये जवाब दिया कि पंचायत की जगह भी या पंचायत कहीं पे भी डालेगी कचरा, वो स्वतंत्र है। फिर भी हम लोगों ने उनसे बार बार शिकायत करने की कोशिश की, जनपद में भी बात की, लेकिन अधिकारियों द्वारा हमारी शिकायत पे कोई वो एक्शन नहीं लिया गया। और अभी देखिए वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि यहाँ पे हजारों पेड़ पौधे जल चुके हैं, जो मेरे द्वारा ही पिछले साल लगाए गए थे वो भी जल के खाक हो चुके हैं। आसपास कचरा भी हो रहा है, आंगनवाड़ी केंद्र है यहाँ पर, कृषि विभाग का ऑफिस है, बिजली विभाग का ऑफिस है, हजारों किसानों का आना जाना प्रतिदिन लगा रहता है, बच्चों का आना जाना लगा रहता है, ग्रामीण खेल परिसर है यहाँ पे पास में, फिर भी इन लोग यहीं पे प्रतिदिन कचरा डाल रहे हैं और सीधे तौर पर उसमें आग लगा रहे हैं। मृत पशुओं के अवशेष तक चारों तरफ फैल रहे हैं, मेरी खेती भी है, आज से 15 दिन पहले भी यहाँ पे आग लग चुकी है, बड़ी मुश्किल से उस पर आग पे काबू पाया गया सभी किसानों के द्वारा। अब अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाले समय में कोरोना काल जो आ रहा है उसकी दस्तक तो उससे पूरे गाँव को चपेट में ले जाएगी अगर ये गंदगी अगर और ध्यान नहीं दिया गया। वैसे तो ग्राम पंचायत नालछा में सेग्रीगेशन सेट जो कचरा संग्रहण केंद्र है वो पूर्ण हो चुका है, 1 से 1.5 माह पूर्व ही उसका ओपनिंग भी हो चुकी है और कंप्लीट हो चुका है, और ग्राम पंचायत को निर्देशित भी कर दिया गया है कि कचरा संग्रहण केंद्र में ही डालें। और ग्राम पंचायत द्वारा उसी स्थान पे कचरा क्यों नहीं फेंका जाएगा? यदि अभी नहीं फेंका जा रहा है कचरा वहाँ पर, तो एक बार और निर्देशित कर देंगे हम कि कचरा संग्रहण केंद्र पर ही कचरा संग्रहण। मैडम नालछा के एक युवा द्वारा 181 पे शिकायत भी की गई है, वो आपके पास भी आई है, उसमें तो उसका पूरा मामला क्या है थोड़ा? यदि शिकायत आई है CM हेल्पलाइन में तो उसकी जांच करवा लेंगे, ADO PCO या पंचायत इंस्पेक्टर से उसकी जांच करवा ली जाएगी। यूनिट का लोकार्पण हो चुका है? हाँ हो चुका है, ये विकास यात्रा के दौरान किया था।